Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम चैप्टर 1 पार्ट 2 जो आपके पास अकाउंटेंसी का है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं. इसमें हमने जो लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था वो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप क्या होती है उसके इंट्रोडक्शन पर डिस्कस किया था. अब हम देखते हैं कि क्या अकाउंट जो है पार्टनरशिप जो है उसमें बनाए जाते हैं. तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप पहले भी जानते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने पढ़ा था, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म में भी बनाया जाता है. एक एक्स्ट्रा अकाउंट आप लोग सीख रहे हैं इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या फर्क होता होगा? एक्चुअली ये सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में ही बनता है, कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं बनता. डिफरेंस देखते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो चीजें आती हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो चीजें आती हैं जो आपके पास एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. यानी ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और ये एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? कुछ खर्चे आपके ऐसे होते हैं जिनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो खर्चे आपको बियर करने ही करने हैं. जैसे वर्कर की सैलरी, आपको प्रॉफिट हो या ना हो आपको वर्कर को सैलरी देनी ही है. एडवर्टीजमेंट खर्चा किया आपने, एडवर्टीजमेंट पर, स्टेशनरी पर आपने खर्चा किया, रेंट है आपकी फैक्ट्री का, मशीन पर डेप्रिसिएशन है. बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो आपके प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं रखते. उन खर्चों को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, और वो सारे खर्चे आपको कहाँ मिलेंगे? पी एंड एल अकाउंट में. नाउ व्हाट इज एप्रोप्रिएशन? समहाउ एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन. जो प्रॉफिट यहां पर आपके पास आया, जैसे कि आपने पी एंड एल अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, अगर आपको याद है तो डेट पर्टिकुलर आपके पास जो फॉर्मेट होता है प्रॉपर, तो आप ये देखिए यहां पर क्या होता था. आपके पास सारी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आता है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, उसमें आप सारी इनडायरेक्ट इनकम्स एड करते हैं, और यहाँ पर आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं. तो आप जब ये बैलेंसिंग करते हैं, अगर ये वाली साइड आपकी बड़ी है तो यहाँ पर आपके पास नेट प्रॉफिट बचता था, और अगर ये वाली साइड एक्सपेंस साइड बड़ी है आपके पास तो यहाँ आपके पास नेट लॉस रिमेनिंग रहेगा क्योंकि आपका एक्सपेंस बड़ा है. अब जो ये नेट प्रॉफिट होता था सोल प्रोप्राइटरशिप में, ये जाकर पार्टनर तो जो भी ऑनर होता था उसकी कैपिटल में जाकर जुड़ जाता था. सिंपल सी बात थी, बिकॉज आपके पास एक ही पार्टनर था, एक ही आपके पास ऑनर था. अब यहाँ क्या है? यहाँ पर एक ऑनर नहीं है, यहाँ दो या दो से ज्यादा आपके पास ऑनर है, और उनको इस प्रॉफिट में से कुछ और चीजें भी दी जानी है प्रॉफिट शेयरिंग के अलावा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दी जानी है, उनकी सैलरी उनको दी जानी है, उनकी कमीशन उनको दी जानी है. ये जो भी चीजें आप पार्टनर में बांटेंगे इन्हें एप्रोप्रिएशन बुलाया जाता है. इट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. अगर आपको यहाँ लॉस होता है तो इसमें से आप कोई सैलरी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नाम से नहीं लिखा हुआ. अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में ही क्लियरली लिखा है कि आपकी जो सैलरी है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, फिर तो वो पी एंड एल में से ही माइनस हो गई, क्लियर. लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा तो सभी बाहर वाले खर्चों को पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट इस अकाउंट में जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. वहां हम इस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट यानी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हैं. किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन शो होगा? यहाँ पर कोई आउटसाइडर नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहे हैं. तो क्लियर हुआ पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात कि ये जो पी एंड एल अकाउंट है इसके अंदर आप वही खर्चे दिखाते हो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, यानी जिन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. इवन यहाँ अगर आपका ग्रॉस लॉस है तो भी ये जो चीजें हैं ये पे करी जाएंगी, सैलरी, वेजेस, एडवर्टीजमेंट, स्टेशनरी. बट अगर आपके पास यहां से नेट लॉस आया तो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तब नहीं बनेगा. ऐसे केस में डायरेक्ट ये नेट लॉस इन पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा. क्या फायदा हम नेट लॉस में से आईओसी भी दे दें, सैलरी भी दे दें, फिर वो लॉस और बढ़ जाएगा और फिर उस लॉस को फिर से पार्टनर ने बेयर करना है. तो आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस क्लियर हुआ हो। तो इसमें जो चीजें आती हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है और इसमें जो चीजें आती हैं दैट इज एप्रोप्रिएशन। इन केस ऑफ नेट लॉस नो नीड टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि स्टार्टिंग प्रॉफिट से हुई थी बट खर्चे इतने ज्यादा पे कर दिए गए कि बाद में ये लॉस में बदल जाए, बट अगर यहां से ही आपको P&L अकाउंट से ही आपको लॉस मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आपको लॉस मिल रहा है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का पर्पस ही डिफीट हो जाता है आपके पास। तो देखें क्या है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। काफी हद तक आपको बता दिया गया है बट फिर इसके बारे में थोड़ी सी बातें डिस्कस करते हैं। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L, यानी P&L का आगे का पार्ट है, ये एक्सटेंडेड पार्ट है। आगे क्या होगा उस प्रॉफिट के साथ ये आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझा रहा है। इट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन पार्टनरशिप फर्म, इट शोज एप्रोप्रिएशन, चार्ज नहीं दिखाता, एप्रोप्रिएशन यानी जो प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बनता है आपके पास, कैसे बनता है। देखिए एक सीधी सी बात आपको बता दी जाती है, मैथ्स में तो कुछ चीजें फिर भी रटने के लिए होती हैं, अकाउंट्स में बहुत कम स्कोप होता है रट्टा लगाने का, ज्यादा स्कोप लॉजिक लगाने का है, कुछ चीजें जोड़ने का है। अकाउंट्स में अकॉर्डिंग टू मी 99% चीजें ऐसी हैं जिसके लॉजिक लगाए जा सकते हैं। तो आप अकाउंट्स के फॉर्मेट को रटे नहीं प्लीज, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, क्यों ये आया। एक गोल्डन रूल हम आपको अकाउंट्स का जरूर बताएंगे, जिसे हम लोग गोल्डन रूल बोलते हैं जब 11th क्लास के अकाउंट्स बच्चों को समझाते हैं, वो आपको पता होगा, बस हम उसे गोल्डन रूल का नाम देते हैं क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिसके बेस पर आप कुछ चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो अकाउंट्स भी इस तरीके से गोल्डन रूल पर चलती है, वो हम आपको बताएंगे। तो वो गोल्डन रूल क्या है अकॉर्डिंग टू मी, एसेट, एक्सपेंस, लॉस, परचेज, सेल्स रिटर्न, ड्रॉइंग, ये चीजें अगर बढ़ रही हों तो इन्हें डेबिट किया जाता है और कम हो रही हैं तो क्रेडिट किया जाएगा। ऑन कॉन्ट्रारी, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, सेल्स, परचेज रिटर्न, ये अगर चीजें आपके पास बढ़ रही हों तो क्रेडिट किया जाता है। इसी के बेस पर जर्नल एंट्री बनती है। ये आपका मॉडर्न रूल है, एक ट्रेडिशनल रूल है जिसमें रियल, नॉमिनल, पर्सनल के बेस पर अकाउंट सिखाया जाता है। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है सिखाने का, तो मेरे तरीके से हम मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं, कई लोग जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर देखते हैं, ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है क्योंकि आप एक्सपेंस और इसमें अपनी इनकम्स का ब्यौरा देते हैं एक तरीके से। तो अब देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में क्या होगा। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट, तो बिना P&L अकाउंट के तो ये बन ही नहीं सकता। तो यहां से अगर आपका नेट प्रॉफिट आया तो वो हमने यहाँ ट्रांसफर किया, अकाउंट से अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर होता है, दिस इज एन अकाउंट, दिस इज एन अकाउंट, नाम हमेशा अपोजिट अकाउंट का, उस अकाउंट में कभी भी उस अकाउंट का नाम नहीं आता। तो नेट प्रॉफिट किस अकाउंट से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो वी राइट P&L अकाउंट। अगर नेट लॉस है तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा जर्नल एंट्री पास कीजिए और लॉस पार्टनर्स के बीच में बांट दीजिए। इज इट ओके? अब आप इस प्रॉफिट में से चीजें बांट रहे हैं, तो यानी ये प्रॉफिट कम हो रहा है। अगर ये प्रॉफिट कम हो रहा है तो इसी साइड तो आप वो चीजें नहीं लिख सकते ना जिससे ये प्रॉफिट कम होगा, आप इसकी अपोजिट साइड लिखेंगे तभी तो माइनस होगा, क्योंकि अकाउंट यही कहता है कि आपने अगर कोई चीज प्लस करनी है तो उसी साइड पे लिख दीजिए, माइनस करनी है तो अपोजिट साइड पे लिखिए। देखिए सिंपल सा लॉजिक, हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, नेट प्रॉफिट क्रॉस ट्रांसफर, अकाउंट से अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर, ये प्रॉफिट आया यहां पर। अब जिन जिन बातों से ये प्रॉफिट कम होगा वो डेबिट में जाएंगी और जिन जिन बातों से ये प्रॉफिट बढ़ेगा वो इसी साइड यानी क्रेडिट में आएंगी। तो क्या क्या चीजें हम पार्टनर्स को देंगे, आपने हमेशा बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना होता है, ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए। किसी पार्टनर या किसी भी और पर्सन के बिहाफ पर आप नहीं सोचते हैं, आप बिजनेस हैं और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। तो बिजनेस कह रहा है कि ये प्रॉफिट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या जा रहा है, इसमें से आप IOC दे सकते हैं यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, A's कैपिटल, B's कैपिटल के नाम से। यहाँ करंट अकाउंट भी आता है, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यही समझिए कि जो भी चीज पार्टनर को मिलेगी वो कहाँ जोड़ दी जाती है, उसकी कैपिटल में। देखिए जो भी बिजनेस और ऑनर का लेन देन होता है वो कैश में नहीं होता। अगर बिजनेस ने ऑनर से कुछ भी लेना है तो उसकी कैपिटल में से काट दिया जाएगा, अगर बिजनेस ने ऑनर को कुछ भी देना है तो कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि एक्चुअली में इन रियल टर्म्स फर्म और पार्टनर्स अलग नहीं है, बट इन लीगल टर्म्स फर्म और पार्टनर दो अलग अलग बातें हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, कोई भी चीज आप पार्टनर को दे रहे हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट के नाम से देंगे, कोई भी चीज आप उससे ले रहे हैं तो भी उसके कैपिटल अकाउंट में से ही आप निकालेंगे। तो इसीलिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये किस नाम से लिखी जा रही है, एस कैपिटल और बीस कैपिटल। तो जितनी भी उनकी आईओसी बनती होगी वो दे दी जाएगी। तो इससे आपका ये प्रॉफिट कम हो गया। अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी दी जानी है तो वो भी आप दे देंगे इसमें से, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखकर ब्रैकेट में सैलरी लिख सकते हैं। इसी तरीके से कमीशन दी जा सकती है पार्टनर को। अगर आपने इन सब चीजों के अलावा पार्टनर ने ड्रॉइंग करी, तो ड्राइंग करी तो आप उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। देखिए सिंपल सा रूल है। बिजनेस ने कहा आपने मुझे लोन दिया कैपिटल के तौर पर, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिल रहा है। और अगर आप बिजनेस से पैसा उधार लेते हैं तो आप बिजनेस को इंटरेस्ट दीजिए, तो वो क्या हो गया आपके पास, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ताकि आप बिजनेस और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करें, ताकि बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट जान सके। तो आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना आपने, तो आईओडी आपके पास यही आएगी। देखिए तो लॉजिक अगर आपके पास है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है कि यहां पर क्या आता है, इसमें डेबिट में ये आएगा, क्रेडिट में ये आएगा। लॉजिक लगाइए, हर चीज क्लियर होती जाएगी। तो आईओडी से आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिखा। चलिए पार्टनर्स को सब कुछ दे दिया, पार्टनर्स जो लेना था वो भी ले लिया। अब आपने देखा भाई अच्छा प्रॉफिट है कंपनी का, काफी अच्छा फर्म का प्रॉफिट हुआ है, तो क्यों ना कुछ पैसा फर्म के लिए सेव कर लेते हैं, रिजर्व में डाल देते हैं कुछ पैसा। जैसे हम लोग अपनी इनकम का कुछ पार्ट अपनी सेविंग में कहीं ना कहीं जमा कर देते हैं, चाहे वो हम अपने बैंक में जमा कराएं या हम अपने लिए कोई मनी बैंक में डाल दें, किसी भी तरीके से सेविंग आप कर लेते हैं। इसी तरीके से बिजनेस भी सोचता है। तो बिजनेस ने क्या किया, अपने प्रॉफिट का 10% रिजर्व में डाल दिया। तो रिजर्व कहीं ना कहीं सेफ रहेगा आपके पास, और ये बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होती है। क्यों, रीजन बाय क्यों होती है रिजर्व लायबिलिटी, सोचिए। इसीलिए क्योंकि ये पैसा ऑनर्स का था, पार्टनर्स का था, लेकिन उसमें से बिजनेस ने पैसा, क्योंकि प्रॉफिट पर अब बिजनेस का हक नहीं है, प्रॉफिट पूरा का पूरा पार्टनर्स का था, उसमें से बिजनेस ने पैसा रख लिया। तो जो भी पैसा वो ऑनर से लेगा बिजनेस, वो बिजनेस के ऊपर क्या होगी, लायबिलिटी। सिर्फ लायबिलिटी का नाम अलग है, रिजर्व। चलिए सब कुछ हो गया, आईओडी यहां जोड़ दी गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां से माइनस कर दिया गया, पार्टनर सैलरी भी दे दी, कमीशन भी दे दी, रिजर्व भी निकाल लिया। उसके बाद जो प्रॉफिट आपके पास बचा, अगर ये साइड बड़ी है तो प्रॉफिट बचेगा, दैट इज नोन एज नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और उसे पार्टनर आपस की जो रेशो है उसमें क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। हमने ऑब्लिक में करंट अकाउंट भी लिखा है, ये भी आपको समझाया जाएगा ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या है। तो देखिए यहां पर ये पार्टनर्स इस प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, शेयर। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर आपके पास लॉस आ जाए, तो उस लॉस को भी पार्टनर्स क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे, तो वो नेट डिविजिबल लॉस होगा। दैट इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट एंड दैट इज नेट डिविजिबल लॉस। आई होप आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया हो, विद लॉजिक आपको समझ में आया हो। देखते हैं आगे भी आपके पास एक और कंसेप्ट है इसी के अंदर, जिसकी बात हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले इसकी जरूरत नहीं थी जब सोल प्रोप्राइटर था, क्योंकि एक ही बंदा था, एक ही पर्सन था आपके पास, उसी की कैपिटल में सब ऐड कर दिया जाता था, लेस कर दिया जाता था, कोई दिक्कत नहीं महसूस होती थी। अब क्या है, आपके पास एक पार्टनर नहीं, एक से ज्यादा पार्टनर हो चुके हैं और चीजें भी काफी वेरी करती हैं। किसी को सैलरी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, किसी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, किसी का नहीं है, किसी का कमीशन है, किसी का नहीं है। तो हमें एक प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रॉपर अकाउंटिंग चाहिए इन पार्टनर्स की। सो वी मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन कैपिटल अकाउंट को लेकर दो मेथड्स हैं, फर्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग मेथड एंड द सेकेंड वन इज फिक्स्ड मेथड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, चेंज होना, और फिक्स्ड मीन्स चेंज नहीं करना। इन दोनों में बस परसेप्शन का डिफरेंस है। अगर पार्टनर चाहते हैं कि हमने ये कैपिटल लगाई, जो भी हमें मिल रहा है इस कैपिटल में जोड़ते जाओ और जो निकालना है इसमें से माइनस करते जाओ, फिर क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगी, वही क्लोजिंग कैपिटल अगले साल की ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी, उसमें और चीजें एडिशनल कैपिटल जुड़ जाएंगी, और चीजें जुड़नी होंगी वो जुड़ जाएंगी, सब्ट्रैक्ट होनी है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यानी हर साल मेरा बैलेंस सीडी जो है वो अलग होता जाएगा, यानी जो मेरी क्लोजिंग कैपिटल है वो बदलती जाएगी। दिस इज व्हाट योर फ्लक्चुएटिंग मेथड। नाउ व्हाट अबाउट फिक्स्ड मेथड। फिक्स मेथड में क्या है, पार्टनर्स कहते हैं कि देखिए हम ये नहीं चाहते कि हमारी कैपिटल में कोई चेंजेस आए, हमारी कैपिटल वहीं की वहीं बनी रहे और हम लोगों को जो भी एक्स्ट्रा मिल रहा है बिजनेस में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, हमें अगर कोई प्रॉफिट्स मिल रहे हैं या हमें किसी भी तरीके की कोई और चीज, सैलरी, कमीशन, कुछ भी मिल रहा है, तो उसे एक अलग अकाउंट में आप डाल दीजिए और उस अकाउंट का नाम दे देते हैं करंट अकाउंट। तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ इस मेथड में कोई बाइफरकेशन नहीं हो पाई कि किस तरीके का पैसा आपको मिल रहा है, सब मिक्स होता गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी कैपिटल तो एक कैपिटल अकाउंट में पड़ी रही और आपको जो भी कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मिल रहे हैं या देने पड़ रहे हैं वो कहाँ आ गए आपके पास, करंट अकाउंट में। हम आपको ये बताएंगे, पर इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, हर बार आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जाएगी। ड्रॉइंग और विड्रॉल ऑफ कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, 11th क्लास में नहीं पढ़ा। ड्रॉइंग और विड्रॉल ऑफ कैपिटल जनरली सेम समझा जाता है, बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है स्टूडेंट। ड्रॉइंग मीन्स अ टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल मीन्स परमानेंट विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस। ड्रॉइंग में क्या है, एक तरीके से पार्टनर थोड़े टाइम के लिए आपसे लोन ले रहा है कि वो वापस कर देगा, टेम्परेरी, इसीलिए उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेयर करना पड़ता है। लेकिन विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। इसमें क्या होगा, इसमें पार्टनर ने अगर अपनी 5 लाख की कैपिटल लगाई है, 1 लाख रुपए अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो वो परमानेंटली विड्रॉ कर रहा है, उस 1 लाख पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं बेयर करना। यहां पर अब उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और 4 लाख रुपए की उसकी कैपिटल हो जाएगी। So I hope आपको ड्रॉइंग क्लियर हुआ। इट्स अ टेम्परेरी विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस, इस पर आईओडी ली जाती है पार्टनर से। विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज अ परमानेंट विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस एंड देयर इज नो आईओडी इज चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर। नाउ सबसे पहला मेथड है आपके पास फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो ये हमने क्यों डिस्कस करा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला मेथड आपके पास फ्लक्चुएटिंग मेथड, इसमें आपके पास एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें जो कैपिटल्स होती हैं वो कीप्स ऑन चेंजिंग होती हैं आपकी। सबसे पहले आप बैलेंस बीडी डालेंगे, यानी कितनी कैपिटल इन्होंने लगाई। अगर अभी लगाई है तो कैश के नाम से होगा, और पहले से अगर चलता हुआ आ रहा है तो बैलेंस बीडी, दैट मीन्स बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो पीछे से आया है आपके पास ब्रॉड डाउन। तो बीडी लिखा आपने, इनको जो भी चीजें मिलनी है वो इनके क्रेडिट में डलेंगी। क्यों क्रेडिट में क्यों डलेंगी, तो अभी अभी आपको एक गोल्डन रूल बताया गया था कि एसेट, एक्सपेंस, लॉस, परचेज, सेल्स रिटर्न, ड्रॉइंग, ये अगर इंक्रीज हो तो इन्हें कर दीजिए डेबिट और अगर डिक्रीज हो तो इन्हें कर दीजिए क्रेडिट। On the other hand, capital, liability, income, revenue means sale, profits, sales, purchase return, ये अगर आपकी इंक्रीज हो तो इन्हें कर दिया जाता है क्रेडिट। तो कैपिटल आपके पास इस कैटेगरी में पड़ता है। तो जब भी आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी। तो आप खुद बताइए, अगर आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। तो इसीलिए आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए आप उसको क्रेडिट में डाल रहे हैं। और अगर आप ड्रॉइंग की बात करते हैं या विड्रॉल ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो हमारे ऊपर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, हमारे ऊपर से लायबिलिटी खत्म हो रही है, इसीलिए जब कैपिटल कम होगी तो क्या होगी आपके पास, डेबिट। सिंपल सा रूल है आपके पास, जिसके बेस पर सारे अकाउंट्स बनते हैं आपके, जनरली अकाउंट्स बनते हैं, जनरल एंट्रीज बनती हैं इसके बेस पर। तो जो जो आपने पार्टनर को देना है वो क्रेडिट करते जाइए। लाइक आईओसी देनी है, जिसको देनी है उसको दे दीजिए। कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आया तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ गई। सैलरी अगर किसी को मिलनी थी तो वो भी उसकी कैपिटल में जोड़ दी जाएगी। कोई कमीशन अगर मिलनी थी तो वो भी उसकी कैपिटल से जोड़ दी जाएगी। ये सारी चीजें आपको कहां से मिल जाएंगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पूरा आपको इसका समरी मिल जाएगा कि किसको कितना कितना मिलना है। और अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हुआ है तो वो अकाउंट था, अकाउंट से यहां पर आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर लॉस हुआ होगा तो वो आपके पास डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा। किससे कैपिटल कम होती है, ड्रॉइंग। तो अगर पार्टनर ने ड्रॉइंग करी है तो डेबिट हो जाएगी। विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी इसी में आएगा, ड्रॉइंग टेम्परेरी ड्रॉल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल परमानेंट विड्रॉल, तो वो भी यहां पर आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर आपने चार्ज करी है तो वो भी आपके पास यहां आ जाएगी। फिर आप बैलेंसिंग करेंगे, इन चीजों को प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी, दैट मीन्स बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मतलब इसे आगे ले जाना है। फिर ये क्या बन जाएगा आपके पास, बैलेंस बीडी। फिर इसमें ये सब चीजें प्लस माइनस होंगी, फिर ये आ जाएगा। यानी हर बार जो आपका बैलेंस सीडी होगा वो फ्लक्चुएट करता रहेगा, यानी बदलता रहेगा। इसी मेथड को हम लोग क्या बुलाते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड। Now what about fixed method? उसमें obviously हम चाहते हैं कि कैपिटल में चेंजेस ना आएंगे, बट बहुत रियलिस्टिक चेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज कुछ होता है, ऑलवेज कुछ नहीं होता। फिक्स्ड मेथड, तो देखिए फिक्स्ड मेथड में आपके पास दो अकाउंट है हमारे सामने, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ चार चीजें हम लोगों ने आपके सामने लिखकर दिखाई है, बीडी यानी बैलेंस। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई जाएगी तो उससे कैपिटल बदलेगी। अगर कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा तो उससे ये कैपिटल कम होगी। इसमें से इसको माइनस करके आपके पास बैलेंस सीडी आएगा। इन दोनों चीजों के अलावा कैपिटल अकाउंट में कोई और चीज नहीं आएगी इन केस ऑफ फिक्स्ड मेथड। क्यों? अरे चाहते ही हम यही है कि हमारी कैपिटल में बदलाव ना आए बार बार। अब अगर एडिशनल कैपिटल की बात करी जाए तो हर दूसरे दिन थोड़ा ना एडिशनल कैपिटल लाई जाती है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी बहुत कम ही करा जाता है बिजनेस में, और ऐसा चीजें ही इस अकाउंट में बनती हैं जो कैपिटल को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। जितनी भी बाकी की चीजें हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो हर साल का ही चीज है आपका, सैलरी हो गया, ये सब चीजें जो कैपिटल में हर साल बदलाव करते, उन्हें आपने अलग अकाउंट में भर दिया। उसे हमने क्या नाम दे दिया, पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट में फिर से देखें क्या चीजें हैं, सिर्फ बैलेंस बीडी। अगर एडिशनल कैपिटल आई तो कैश के नाम से, कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो अगर विड्रॉल किया तो यहां डेबिट, अब आप माइनस करके इसकी बैलेंसिंग कर लीजिए, दैट इज बैलेंस कैरिड डाउन। करंट अकाउंट में बाकी सब चीजें आ जाएंगी। अगर आप पहले से ये फॉर्मेट फॉलो करते आ रहे हैं तो हर अकाउंट का यहाँ पे सीडी है, अगली बार जब कैपिटल अकाउंट बनेगा उसका बीडी बन जाएगा। इसी तरीके से अगर करंट अकाउंट बना हुआ होगा तो जो सीडी था वो क्या बन जाएगा आपके पास, बीडी बन जाएगा। ठीक है, फिर जो भी चीजें आपने पार्टनर को देनी है, जैसे आईओसी देनी है डाल दीजिए, सैलरी, कमीशन, पीएनएल, यानी आपने उसी कैपिटल अकाउंट के दो हिस्से कर दिए। कुछ चीजें आपने यहां रख दी, कुछ चीजें आप यहां ले आए। अब आप देख रहे हैं यहाँ विड्रॉल ऑफ कैपिटल है लेकिन ड्रॉइंग यहां नहीं लिखी जा रही, बिकॉज विड्रॉल ऑफ कैपिटल डायरेक्टली अफेक्ट कैपिटल, इट्स अ परमानेंट विड्रॉल, और ड्रॉइंग यहां लिखी जा रही है करंट अकाउंट में। तो ड्रॉइंग यहां आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां आएगी। और अगर आपका पीएनएल का लॉस होता है, यानी आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, पीएनएल में ही आपका लॉस आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाएंगे? तो ऐसे केस में आप उस लॉस को एबीसी में डायरेक्ट शेयर कर देंगे और उसके बाद आप करंट अकाउंट का बैलेंस सीडी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इन अकाउंट से रिलेटेड सारी बातें जान चुके हैं, कुछ बातें क्वेश्चन के साथ साथ भी जानी जाती हैं, थोड़ा बहुत समझ आ जाए इतना पहले काफी है। फिर कुछ बातें ऐसी होती है स्टूडेंट जो हम क्वेश्चन के साथ साथ भी आपको क्लियर करते रहते हैं। तो देखिए अगर आपके पास पी एंड एल अकाउंट का लॉस है तो आप डायरेक्टली उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में शेयर करें। तो एक बार रिवाइज करें, हम लोगों ने आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया, सबसे पहले आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया कि पी एंड एल अकाउंट का एक्सटेंशन होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें वो चीजें आती हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, और इसमें वो चीजें आती हैं जो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ ट्रांसफर होगा। उसमें से जो चीजें आपने पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो आप जो है वो यहाँ पर लिख देंगे, यानी जैसे कि आईओसी देना है या पार्टनर को सैलरी देनी है या कमीशन देना है, रिजर्व देना है, वो सब चीजें आप इसमें देकर और यहाँ से जो पार्टनर से लेना है, उसके बाद जो भी बचा उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है और पार्टनर में उसे बांट दिया जाता है। फिर हमने आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट जो है वो दो तरीके के हैं आपके पास, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग में आपके पास एक ही अकाउंट बनता है और उसी में सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं, बीडी, जो भी चीजें आपने पार्टनर में प्लस करनी है वो यहाँ, जो भी चीजें आपने पार्टनर से लेनी है वो क्रेडिट में, और उसके बाद क्या निकल जाएगा आपके पास, बैलेंस सीडी। अगर आपका मेथड फिक्स्ड है तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपके पास दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट अलग और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग। तो बस उसी अकाउंट को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो आपने यहाँ पर कैपिटल लिखी और यहाँ एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, बाकी सब चीजें आपके पास करंट अकाउंट में आ जाएंगी। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।